Now we'll proceed with the important question of chapter three. Now first question is from exercise three point one. First question is from exercise three point one and question is question number five part two. First question is from exercise three point one question number five part two. Question number five part two. देखो question number five क्या आपका? Construct a three cross four matrix. आपको थ्री क्रॉस फोर यानी कि थ्री रोस फोर कॉलम की आपको एक मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है ये आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वेश्चन right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जब हम इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे 2, 3 by 4,

ए टू थ्री ए टू फोर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर हमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे अब इसमें देखो थ्री रोज है वन टू थ्री फोर कॉलम है वन टू थ्री फोर फोर कॉलम है राइट अभी एलिमेंट्स फाइंड कैसे करेंगे ये एलिमेंट्स फाइंड करेंगे हम इस वैल्यू की हेल्प से आई जो है आपका वो रो है रो वैल्यू है और जे जो है आपका कॉलम वैल्यू जैसे कि आपको ए आई ए वन वन फाइन करना वन वन ए वन वन का मतलब आई की वैल्यू भी वन है और जे की वैल्यू भी वन है तो आई की जगह वन पुट कर दोगे और जे की जगह वन तो ये हो जाएगा टू माइनस वन वन इसी तरह से अगर आपको ए वन टू फाइन करना ए वन टू तो ए वन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी टू इंटू वन और जे की जगह क्या हो जाएगा टू माइनस टू तो ये हो जाएगा टू माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या आएगी जब आप इन सभी एलिमेंट्स को इसमें पुट करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा ए वन वन ये जो फर्स्ट रो है आपकी आएगी वन जीरो माइनस वन माइनस टू सेकेंड रो की वैल्यू आएगी थ्री टू वन जीरो और थर्ड रो की वैल्यू आएगी फाइव फोर थ्री टू सिंपल सा कंसेप्ट है जो कंस्ट्रक्ट करना है पहले उसको लिखो फिर जिस वैल्यू से ये एलिमेंट फाइंड करने एक एक करके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करो और उसमें पुट कर दो एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन इज गिवन मैट्रिक्स इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड और ये किसके इक्वल है आपका इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू नाइन फाइव सेवन इट इज इक्वल टू नाइन फाइव सेवन तक समझ में आ रही है बात इट इज इक्वल टू नाइन फाइव सेवन इज क्लियर ठीक है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी बाय लॉ ऑफ़ बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा फर्स्ट ये जो फर्स्ट है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इक्वल होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड विल बीवल टू नाइन एक्स प्लस जेड इक्वल होगा नाइन के इक्वल होगा

प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू नाइन सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स प्लस जेड इक्वल टू फाइव तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो so, y विल बी इक्वल टू नाइन माइनस फाइव क्या हो जाएगा फोर Y विल बी इक्वल टू नाइन माइनस फाइव क्या हो जाएगा फोर राइट नाउ नाउ सॉल्विंग

एक्स इक्वल टू टू इन इक्वेशन टू जो भी एक्स की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 plus Z equal to 5 हो जाएगा जाएगा और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी थ्री जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री एक्स तो की वैल्यू क्या आ गई टू वाई की वैल्यू आ गई फोर और जेड की वैल्यू आ गई थ्री एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट क्लियर ठीक है क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री विद ईच एंट्री जीरो देखो तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है इसके कंसेप्ट को समझो देखो आपको कहा जा रहा है थ्री बाय थ्री थ्री बाय थ्री का मतलब वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री अब ये क्या है थ्री रोज थ्री कॉलम ये है थ्री बाय थ्री ठीक है अब थ्री बाय थ्री का मतलब ये हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा नाइन राइट right. अब देखो अब हर प्लेस पे हर प्लेस में जीरो या वन यानी कि हर पोजीशन पर आपको क्या फील करना है जीरो या वन यानी कि यहां पे भी जीरो या वन दो एलिमेंट दोनों में से कोई भी एक यहां सकता है दोनों में से कोई भी एक यहां सकता है नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज ऑफ

कितनी बार आएगा टू टू वेज कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इट इज इक्वल टू टू रेस टू पावर नाइन इट इज इक्वल टू टू रेस टू पावर नाइन विच इज इक्वल टू फाइव वन टू विच इज इक्वल टू फाइव वन टू दैट इज ऑप्शन डी भाई कितने वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लाई करते हैं तो टू इंटू टू इन टू ये होगा टू रेस टू पावर नाइन दैट इज फाइव वन टू दैट इज ऑप्शन डी दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का पार्ट टू है क्वेश्चन क्या है कंप्यूटेड द इंडिकेटेड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट किसका फाइंड करना आपको? है आपको फर्स्ट मैट्रिक्स है वन टू थ्री और सेकंड मैट्रिक्स है आपकी टू थ्री फोर देखो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो थ्री रोज वन कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो वन रो और थ्री कॉलम वन रो थ्री कॉलम तो देखो पहले का जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे का जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है और ये भी हमें पता है कि मल्टीप्लाई करके जो मेट्रीज बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा ये बाकी के जो बचे हुए हैं थ्री बाय थ्री इसका ऑर्डर क्या होगा थ्री बाय थ्री ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम तो वन इंटू टू क्या हो जाएगा टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन इंटू थ्री क्या हो जाएगा थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन इंटू फोर क्या हो जाएगा फोर एंड टू टू जा फोर सेकेंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये आपका दे, आप देख सकते हो जो ऑर्डर है वो क्या आपका क्या है थ्री बाय थ्री थ्री बाय थ्री इज इट क्लियर ठीक Question है नंबर सेवन पार्ट टू क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट टू क्वेश्चन इज टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो आपको एक्स और वाई फाइंड करना है और एक इक्वेशन की बना है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू फोर थ्री जीरो ठीक है और दूसरी इक्वेशन क्या है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू मैट्रिस क्या है टू माइनस टू माइनस वन और फाइव मैट्रिस क्या है टू माइनस टू माइनस वन और फाइव यहां तक क्लियर हो गया ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो अगर मैं इस मैट्रिसिस को देखो यहाँ पे मुझे थ्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे टू से इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ इसको इक्वेशन टू ले लेता हूँ अगर मैं इस पूरी मैट्रिसिस को इस पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ टू से मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन वन मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री एंड एंड इक्वेशन टू बाय टू मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री एंड इक्वेशन टू बाय टू तो क्या आएगा जब आप इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे थ्री टू जाएगा सिक्स एक्स थ्री टू जाएगा सिक्स एक्स थ्री थ्री जा क्या हो जाएगा नाइन बाई नाइन बाई अब देखो ये मैट्रिक है किसी भी मैट्रिक्स को जब किसी भी हम स्केलर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्री जीरो जीरो तो ये क्या हो जाएगा सिक्स नाइन ट्वेल्व जीरो इट इज इक्वेशन नंबर थ्री टू को थ्री से करोगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स टू टू जा क्या हो जाएगा फोर बाई इसी तरह से ये क्या हो जाएगा टू टू जा फोर टू इंटू माइनस टू माइनस फोर टू इंटू माइनस वन माइनस टू और टू फाइव जा क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर ये क्लियर हो गया ठीक है नाउ अब अगर हम इसको सेपट्रैक्ट करते हैं मीन्स ये देखो ये सेम आ गया तो यहाँ माइनस हो गया ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा नाइन माइनस फोर नाइन वाई माइनस फोर बाई ये हो जाएगा आपका फाइव बाई ये क्या हो जाएगा फाइव बाई ये क्लियर हो, हो, हो गया ठीक है अब यहां देखो वट वी वी लेव देखो ये जो वैल्यू ये क्या था एलिमेंट कॉरसपॉन्डिंग से माइनस होंगे स्पॉन्डिंग एलिमेंट जो माइनस होंगे वो किससे होंगे corresponding से फोर क्या हो जाएगा टू राइट नाइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो नाइन प्लस फोर क्या हो जाएगा थर्टीन ये क्लियर हो गया फिर ट्वेल्व प्लस टू क्या हो जाएगा फोर्टीन ट्वेल्व प्लस टू क्या हो जाएगा फोर्टीन और जीरो जीरो माइनस टेन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो के से किया जाता है। इसी तरह से जब हम डिवाइड भी करेंगे तो सभी एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 2 बाई फाइव जब 13 को 5 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 13 बाय फाइव ये क्या हो जाएगा 13 14 को फाइव से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा फाइव और माइनस टेन को फाइव से डिवाइड करोगे तो माइनस टेन फाइव टू ये डिवाइड हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू ये क्या हो जाएगा माइनस टू ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो टू एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल है टू फोर थ्री जीरो राइट तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं फ्रॉम वन फ्रॉम वन आई कैन राइट इट एज टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू टू थ्री टू थ्री फोर जीरो टू एक्स इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो प्लस थ्री वाई है यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई हो जाएगा यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू थ्री फोर जीरो क्या हो जाएगा टू थ्री फोर जीरो माइनस थ्री और y की जगह क्या आ जाएगा टू बाय फाइव थर्टीन बाय फाइव फोर्टीन बाय फाइव और माइनस टू ये कुछ इस तरह से आ जाएगा समझ में आ रहा है ठीक है ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो माइनस देखो थ्री टू जा क्या हो जाएगा आपका सिक्स बाय फाइव और थर्टीन थ्री जा क्या हो जाएगा थर्टी नाइन बाय फाइव तो ये हो जाएगा थर्टी नाइन बाय फाइव थ्री इंटू फोर्टीन क्या हो जाएगा फोर्टी टू बाई फाइव

और जीरो माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो ये हो जाएगा सिक्स तो एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू देखो अब टू भी सभी से डिवाइड होगा टू जो होगा वो भी सबसे डिवाइड होगा तो टू जब इसको डिवाइड करो टू टू जा फोर हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू बाय फाइव ये ट्वेंटी फोर से कैंसिल होके हो जाएगा माइनस ट्वेल्व तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बाय फाइव ये हो जाएगा माइनस इलेवन बाय फाइव और ये हो जाएगा आपका थ्री And this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है? है क्या है zero वन जीरो Zero वन ये क्लियर हो गया ठीक है ये आपकी गिवन वैल्यू और शो क्या करना है आपको टू शो ये क्लियर हो गया ठीक है तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है अब इसी वैल्यू का यूज करके हम फाइंड करेंगे Will be equal to, भाई जहां x है वहां y कर दो तो ये हो, हो जाएगा sin y माइनस साइन वाई जीरो साइन y cos y जीरो और ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो जीरो क्लियर हो गया ठीक है अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में क्या होगा जहां एक्स है जहां एक्स है वहां आ जाएगा एक्स प्लस वाई तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा जीरो फिर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा जीरो 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 और वन क्या हो जाएगा जीरो जीरो और वन ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो ये चीज हमें प्रूव करनी है ये चीज हमें प्रूव करनी है तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है नाउ अवर लेफ्ट हैंड साइड इज अवर लेफ्ट हैंड साइड इज एफ एक्स इंटू एफ वाई अवर लेफ्ट हैंड साइड इज एफ एक्स इंटू एफ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स एक्स जीरो और जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई राइट और जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा ये बात समझ में आ रही है क्लियर यहां तक ठीक है इसी तरह से आप देखो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई अगेन जीरो है तो जीरो के साथ ये प्लस जीरो ही हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा ये भी क्लियर हो गया ठीक है देन कॉस एक्स इंटू जीरो ये हो जाएगा जीरो माइनस साइन एक्स इंटू ज़ीरो हो गया आपका जीरो और जीरो इंटू वन क्या हो गया जीरो तो ये सारी वैल्यू तो होगी जीरो ये क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई तो ये हो जाएगा साइन एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई देन कॉस एक्स इंटू साइन वाई तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई और जीरो के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा देन साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई तो प्लस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा राइट देन साइन एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो और जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा जीरो इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा जीरो भी जीरो जीरो और वन इंटू जीरो जीरो भी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और इसी तरह से जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो क्या हो जाएगा आपका जीरो जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो और वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो अब यहाँ आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम क्या अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी तो ये क्या हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो ये किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी के तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई अब यहां से देखो अगर, था था। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो आप देखो यहां से जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो विद इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी तो ये क्या हो गया माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये हो गया साइन ए प्लस बी ये क्या हो गया साइन ए प्लस बी ये क्लियर हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ये क्लियर हो गया ठीक है इसी तरह से देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो क्या होगा साइन ए प्लस बी तो ये क्या होगा साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी और यह क्या हो गया आपका जीरो क्या हो गया आपका जीरो ये हो गया जीरो, जीरो, वन, जीरो, जीरो, और वन, जीरो, जीरो वन. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है हमारी वो हमारी किसके इक्वल आ रही है वहां वहां एक्स प्लस वाई आ गया तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है इट इज इक्वल टू एफ ऑफ इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हैं

आईज यानी कि आई जो होगा आपका जो यहाँ पर आई होगा वो क्या होगा वन जीरो जीरो मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू आई माइनस एंटू कॉस अल्फा माइनस आइन अल्फाइन अल्फा कॉस अल्फा अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो ये जो वैल्यू है मेरी ये मैट्रिक्स जो है और आई माइनस ए मैट्रिक्स इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए इसके प्रोडक्ट के क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए यहां तक बात समझ में आ रही है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई प्लस ए तो देखो ये आई है ये है, तो आई प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा आई की जगह क्या लिखोगे वन जीरो जीरो वन प्लस ए ए की जगह क्या लिखोगे जीरो माइनस टेन अल्फा बाय टू टेन अल्फा बाय टू और जीरो ये कुछ ऐसे हो जाएगा तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है आपका वन प्लस जीरो क्या हो गया वन जीरो हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय टू जीरो प्लस ए क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू और वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा वन तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड राइट अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या कहा जा रहा है आई माइनस ए राइट हैंड साइड आई माइनस ए तो आई क्या है वन जीरो जीरो वन आई क्या वन जीरो जीरो वन माइनस ए माइनस ए ए क्या है जीरो माइनस टेन अल्फा बाय टू टेन अल्फा बाय टू जीरो ये ये क्लियर हो गया ठीक है तो ये किसके इक्वल आएगी वैल्यू देखो वन माइनस जीरो तो हो जाएगा वन क्या हो जाएगा वन राइट right. और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाय टू क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू और जीरो माइनस टेन अल्फा बाय टू क्या हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय टू और वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा ये वन के इक्वल हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है क्लियर है यहां तक ठीक है अब देखो जो राइट हैंड साइड है वो क्या आई माइनस ए जो राइट हैंड साइड है वो क्या है राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड इज आई माइनस एस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा ये क्लियर हो गया आपको ठीक है अब देखो आई माइनस से आप ऑलरेडी फाइन कर चुके हो वन टेन अल्फा बाय टू तो ये हो जाएगा वन टेन अल्फा बाय टू देन माइनस टेन अल्फा बाय टू वन माइनस टेन अल्फा बाय टू और वन ये हो गया आपका आई माइनस ए फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी अल्फा साँ अल्फा 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 और अल्फा. ये क्लियर हो गया आपको ठीक है अब देखो हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी चैप्टर टू में क्या वी नो दैट साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा राइट right. और कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब साइन टू थीटा अगर इसके इक्वल होता है अगर साइन टू थीटा इस वैल्यू के इक्वल होता है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा साइन थीटा थीटा की वैल्यू हाफ कर दो तो इट विल बी इक्वल टू टू टेन थीटा बाय अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू इसी तरह से कॉस टू थीटा अगर इसके इक्वल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू ये कुछ इसके इक्वल होना चाहिए ये बात समझ में आ रही है ठीक है ओके अब देखो अगर यही वैल्यूज में अब यहां पर पुट करता हूं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू और जहां साइन अल्फा है वहां क्या आ जाएगा टू टेन अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू समझ में आ रही है बात ठीक है तो इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू ये तो एज इट इज ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी वन टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू और वन और क्या हो जाएगा वन ये क्लियर हो गया कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू तो कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय फिर माइनस साइन अल्फा की जगह आ जाएगा माइनस टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा स्क्वाय टू तो माइनस टू टेन अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू ये क्लियर हो गया ठीक है फिर साइन अल्फा की जगह ये सेम वैल्यू आ जाएगी टू टेन अल्फा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू कॉस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा स्क्वाय टू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा टू ये आपके इस तरह से वैल्यू आ गई क्लियर हो गया ठीक है ओके अब आप ये देखो यहां सभी में डिनोमिनेटर में क्या वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू

माइनस टेन अल्फा बाय टू वन ये इस तरह से आपके वैल्यू आ गई अब ये आपने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर सारा कॉमन चला गया हमारा तो वी आर लेफ्ट विद वन माइनस वन माइनस टेन बाय टू ये क्या हो जाएगा माइनस टू टेन अल्फा बाय टू ये क्या हो जाएगा टू टेन अल्फा बाय टू और ये क्या हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर

टू टेन अल्फा बाय टू और इसको इसके साथ के साथ के करोगे तो क्या होगा प्लस टेन अल्फा बाय टू और माइनस में क्या हो जाएगा टेन क्यू अल्फा बाय टू वन और टू टेन क्यू ये क्लियर हो गया ठीक है अब माइनस टेन अल्फा बाय टू को इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू और माइनस 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 अल्फा टू और क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा आपका टेन क्यूब अल्फा बाय टू फिर वन को इसके साथ करोगे तो प्लस टू टेन अल्फा बाय टू फिर माइनस सैन अल्फा बाय टू को इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका टू टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू ये समझ में आ रही बात ठीक है और वन को इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू यहां तक क्लियर हो गया ठीक है अब देखो हमारे पास अल्फा बाय टू इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू यह बात समझ में आ रही है ठीक है यह क्या हो जाएगा देखो वन 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये वैल्यू हो जाएगी प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 तो 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये क्लियर हो गया ठीक है देन -2 tan अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा -10 अल्फा बाय 2 और -10 क्यूब अल्फा बाय 2 तो क्या आ जाएगा -10 अल्फा बाय टू माइनस टेन क्यूब अल्फा बाय टू देन टू टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाय टू टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन क्यूब अल्फा बाय टू देन टू टेन स्क्वायर अल्फा टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू ये तो 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 क्लियर हो, हो, हो गया ठीक है अब देखो इट विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू क्लियर हो गया यहां तक ठीक है अब देखो ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं माइनस टेन अल्फा बाय टू तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 2. यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं टेन अल्फा बाय टू तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू और यह आपका हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू नाउ देखो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बहुत

इसकी जगह क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाय टू और इसकी जगह हो जाएगा वन अब ये तो कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ गई आपकी अब क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो आप देख सकते हो यू कैन सी दैट ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी दिस इज अवर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी वन माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाय टू वन और ये भी क्या आ गई राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है वन माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू वन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ इज इट क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज टेन डजन केमिस्ट्री बुक ओके एट डजन फिजिक्स बुक टेन डजन इकोनॉमिक्स बुक्स Their selling prices are rupees eighty, rupees sixty, and rupees forty each respectively. फाइन द टोटल अमाउंट द बुक्सिव फ्रॉम सेलिंग द बुक्सिंग होगा टेन इंटू ट्वेल्वन में बारह क्वान्टिटी होती है तो टेन डजन में कितनी हो जाएगी टेन इंटू ट्व इट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी बात समझ में आ रही है ठीक है तो जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है ये तो कितनी हो जाएगी वन ट्वेंटी इसी तरह से देखो जो आपकी फ़िजिक्स की बुक है ये तो आ गई केमिस्ट्री की बुक जो आपकी फ़िजिक्स की बुक है वो कितनी है एट डजन है वो कितनी है एट डज़न तो ये हो जाएगा एट इंटू ट्वेल्व इसी तरह से जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है वो भी कितनी है टेन डजन ही है वो भी कितनी है टेन डजन तो इकोनॉमिक्स की बुक भी आपकी टेन डजन ही है राइट right? अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है किस तरह से हमें सेल जेब्रम मैट्रिक सेल जेबरम में क्या करना होता है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है क्वांटिटी ऑफ बुक जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या है क्वांटिटी ऑफ बुक्स क्वांटिटी ऑफ बुक क्वांटिटी ऑफ बुक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक से एंड हेयर मैट्रिक से हेयर मैट्रिक से इज इक्वल टू केमिस्ट्री की बुक की क्वांटिटी कितनी है 120 फिजिक्स की बुक की क्वांटिटी कितनी है 96 और इकोनॉमिक्स की बुक की भी क्वांटिटी कितनी है 120. जो है वो इनका सेलिंग प्राइस है तो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है सेलिंग प्राइस पर बुक मैट्रिक्स बनेगी वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स पी से और मैट्रिक्स पी क्या शो कर रही है सेलिंग प्राइस पर बुक एज पर क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री की बुक की जो पर बुक कॉस्ट है वो कितनी है एटी फिजिक्स की, की पर बुक कॉस्ट कितनी है सिक्सटी और इकोनॉमिक्स की पर बुक कॉस्ट कितनी है फोर्टी नाउ आपको क्या फाइंड करना है टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ही विल गेट टोटल अमाउंट ही विल गेट ये किसके इक्वल होगा इट विल बी इक्वल टू ए बी इट विल बी इक्वल टू ए बी इट विल बी इक्वल टू ए बी विच विल बी इक्वल टू अब मैट्रिक्स ए क्या है आपका वन ट्वेंटी नाइन्टी सिक्स वन ट्वेंटी और मैट्रिक्स बी क्या आपका एटी सिक्सटी और फोर्टी एटी सिक्सटी और फोर्टी ये क्लियर हो गया ठीक है अब जब आप इसको सॉल्व करोगे वन ट्वेंटी इंटू एटी सिक्स हंड्रेड प्लस नाइन्टी सिक्स इंटू सिक्सटी फाइव सेवन सिक्स जीरो सबको जब आप एड करोगे इट विल बी ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी आएगा दोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ही गेट ही विल बी इक्वल टू रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट क्लियर ठीक है जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको गिवन है टू बाय एन जो वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको है 3 K. जो जेड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको है 2 P. और जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको गिवन है एन बाय थ्री इसी तरह से जो पी मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर गिवन है पी बाय के पी बाय के राइट रिस्पेक्टिवली एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर टू बाई एन वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री बाय के रेड मैट्रिक्स का ऑर्डर टू बाई पी डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर एन बाई थ्री और पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है पी बाय के अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में आपको कहा जा रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर ये कब डिफाइंड होगा ये आपसे पूछा जा रहा है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो देखो PY, P by P P का ऑर्डर क्या है P का ऑर्डर है P by K तो मैं इसका ऑर्डर यहां लिख देता हूं P by K फिर है Y Y Y का ऑर्डर क्या है थ्री बाई के तो मैंने यहां पे लिखा थ्री बाय के प्लस फिर है W W का ऑर्डर क्या है एन बाय थ्री तो यहां आप लिखो एन बाय थ्री फिर है Y वाई का ऑर्डर क्या है थ्री बाय के वाई का ऑर्डर क्या है थ्री बाई के क्लियर हो गया ठीक है अब हमें पता है मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है ये इक्वल होना चाहिए दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो है ये आपका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है ये चीज कब पॉसिबल है कि ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल है जब के जो है आपका वो थ्री के इक्वल होगा जब ये जो के है आपका इट विल बी इक्वल टू थ्री के जो है आपका वो किसके इक्वल होगा थ्री के इक्वल होगा ये बात समझ में आ गई ठीक है अच्छा आप देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पी वाई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा पी by के ये जो रिमेनिंग वैल्यूज है इसका ऑर्डर क्या होगा पी बाय के प्लस इसी तरह से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल और उसका ऑर्डर क्या होगा एन बाय के उसका ऑर्डर क्या होगा एन बाय के अब एडिशन के लिए क्या होता है ऑर्डर सेम होना चाहिए तो के K, K तो पी जो है आपका वो एन के इक्वल होना चाहिए

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में क्या कहा जा रहा है इफ एन इज ये इसी से रिलेटेड है इसी का कंटिन्यूशन है इफ एन इज इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेवन एक्स माइनस फाइव जेड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेवन एक्स माइनस फाइव जेड क्या होगा देखो सेवन एक्स अब एक्स का ऑर्डर क्या है टू बाय तो इसका ऑर्डर भी टू बाय ही होगा माइनस फाइव जेड फाइव जेड का ऑर्डर क्या जेड का ऑर्डर क्या टू बाई पी तो ये हो गया आपका टू बाई पी ये क्लियर हो गया अब दो जैसे एडिशन में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है ऑर्डर शुड भी इक्वल ऑर्डर शुड भी इक्वल देखो टू टू तो एन जो है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए पी के विच इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होना चाहिए जो इसका रिक्वायर्ड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए ऑर्डर विल बी इक्वल टू टू बाई पी

आपको कहा जा रहा है आपको शो करना कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बात क्लियर होगी ठीक है अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि अगर इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके माइनस के इक्वल आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज में क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा जीरो वन माइनस वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा माइनस वन जीरो वन थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा वन माइनस वन जीरो अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं यहां से क्या लेता हूं माइनस कॉमन तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली टाइम तो है वो माइनस हो जाएगी जीरो तो रहेगा ये हो जाएगा ये ये हो हो जाएगा दे दे जाएगा जीरो वन वन माइनस वन जीरो इट इज इक्वल टू माइनस ये दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रिक मैट्रिक्स इजे क्लियर ठीक है टेन पार्ट टू क्वेश्चन नंबर टेन पार्ट टू एक्सप्रेस दैट्रिक इज एट दिमेट्रिक एंड एज क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है नाउ लेट द गि मैट्रिक्स यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम ए ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या है सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री क्लियर हो गया ठीक है अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सम ऑफ ऑफ सम अ मैट्रिक्स एंड इट्स क्यू सिमेट्री तो देखो मैट्रिक्स है तो आ गया आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स ट्रांसपोज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री टू माइनस वन थ्री ये क्लियर हो गया ठीक है ना कंसेप्ट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोर्स तो क्या हो जाएगा देखो सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा ट्वेल्व सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस फोर और टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर माइनस टू माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस फोर थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर सॉरी माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस टू और थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो स्टेप वन जब इस तरह का ट्रांसपोर्ट स्टेप टू फाइंड ए माइनस ए ट्रांसपोर्स क्या आएगा देखो सिक्स माइनस सिक्स जीरो माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू जीरो टू माइनस टू भी क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू जब बाहर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस टू प्लस टू जीरो थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन ये माइनस के साथ प्लस वन हो जाएगा माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो टू माइनस टू जीरो माइनस वन प्लस वन जीरो और थ्री माइनस थ्री क्या हो गया क्लियर हो गया यहां तक ठीक है अब देखो अब आप ये देखो कि देखो ये मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज दोनों सेम है अगर देखो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता तो आप कहते कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन यहां पर जो ए ट्रांसपोज है आपका वो एक्जैक्टली मैट्रिक्स ए के इक्वल है तो ये कैसी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है

ये जो मैट्रिक्स ए है एज इट इज ए पहले मैं लिख ही लेता हूं यहां पर आप लिखोगे कैसे एज A is ऑलरेडी a is symmetric मैट्रिक्स ए इज ऑलरेडी symmetric मैट्रिक्स ठीक है देयर फोर वी कैन कैन ब्रेक इट इंटू टू पार्टस वी कैन ब्रेक इट इंटू टू पार्ट ठीक है दस क्यू सिमेट्रिक पार्ट दस क्यू सिमेट्रिक पार्ट विल बी अ जीरो मैट्रिक्स, विल बी अ जीरो मैट्रिक्स तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्टली उसको कैसे लिखोगे ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन थ्री भाई जो मैट्रिक्स है हमारी वो किसके इक्वल होती है सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक पार्ट तो ये एज इट इज ही है और ये इसके इक्वल होना चाहिए तो प्लस वाला पार्ट क्या होना चाहिए जिससे ये सम जो है जीरो इसके इक्वल आ जाए ये सिमेट्रिक पार्ट है दिस इज अ सिमेट्रिक पार्ट तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा जीरो मैट्रिक्स जीरो 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 इज क्लियर ठीक है तो so, आपने प्रूफ कर दिया कि मैट्रिक्स से इज इक्वल टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से इज इक्वल टू सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इट क्लियर ठीक है इज एग्जांपल ट्वेंटी Next important question is example 23. Question is if matrix A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then we have to prove that to prove.

प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे बाय द प्रिंसि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है देखो इसमें तीन स्टेप होते हैं पहला स्टेप ये होता है हम एन की जगह वन पुट करते हैं और उससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल लेफ्ट हैंड साइड जो राइट right हैंड है दिस इज द स्टेप वन स्टेप टू बहुत इजी होता है कुछ नहीं करना होता हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें हम एजम्सन लेते हैं कि जैसे इक्वल टू वन पे वैल्यू ट्रू है वैसे ही इक्वल टू के पर भी ये वैल्यू ट्रू है मीन एन की जगह हम के पुट करके कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अब इन दोनों का यूज करके हमें प्रूव करना होता है कि जैसे अनईक्वल टू वन पे ये वैल्यू ट्रू है और जैसे N equal to K पर ये ट्रू है वैसे ही के प्लस वन पर भी ट्रू होगी अगर हम एन की जगह के प्लस वन पुट करेंगे तो भी ये left hand side, right hand side के equal ये लेफ्ट हैंड हैंड साइड साइड राइट के इक्वल होगी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और जैसे तीनों स्टेप प्रूव हो जाते हैं तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू समझ में आ गया ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए रेस टू पावर एन हम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यर ये जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एन है तो उसको हम ले लेते हैं पी एन सच दैट सच दैट इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन ए रेज टू एन विल बी इक्वल टू कॉस एंथीटा साइन एंथीटा माइनस साइन एंथीटा और कॉस एन थीटा यह कुछ ऐसे है ठीक है तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ ए पी एन अब क्या होगा पुट एन इज इक्वल टू वन अब हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे वन तो विद रिस्पेक्ट टू वन तो ये हो जाएगा पी वन सच दैट अब ए इक्वल टू क्या है थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस्थीटा राइट सो ए रेस टू पावर वन क्या हो जाएगा जहां एना है वहां वन पुट कर दो तो ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और थीटा अब देखो ए रेस टू पावर वन हो गया ए की वैल्यू भी यही है जो आपकी यहां आ रही है आ रही ना सेम ठीक है देर फोर रिजल्ट इज ट्रू देर फोर रिजल्ट इज ट्रन इक्वल टू वन तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा हो गया कि फोर एन इज इक्वल टू वन हमने प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के क्या है इक्वल है ये क्लियर हो गया ठीक है सेकेंड पार्ट में मैंने क्या कहा एजम्पन लेना होता है क्या लेना होता है एजम्पन एजम्पन तो में क्या होगा लेट लेट द रिजल्ट लेट द रिजल्ट बी ट्रू फोर एन इक्वल टू के हमने मान लिया कि ये जो रिजल्ट है एन इक्वल टू के के लिए भी ट्रू होगा अब आपने मान लिया तो कैसे लिखोगे जहां पी एन है जहां पी एन था वो हो जाएगा पी के तो ये हो जाएगा पी के सच देट ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये क्लियर हो गया ठीक है देन देन ए रेस टू पावर एन ये हो जाएगा ए रेस टू पावर के ए रेस टू पावर के इक्वल टू अब जहां जहां आपको एन दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा कॉस के थीटा बस ये जो वैल्यू है इसमें यहाँ पर के आ जाएगा देखो यहाँ पर सबके बीच में एन है ना तो सभी वैल्यू के बीच में क्या आ जाएगा के थीटा, साइन के थीटा, साइन के थीटा और कॉस के थीटा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कैसे लिखा जाएगा कॉस के थीटा ये है आपका साइन के थीटा ये हो गया माइनस साइन के थीटा जहां आपको एन की बना वहां पे हमने क्या लगा दिया के लगा दिया ये थी तो ये हमारा second step भी हो गया ये जो हमने एजम्स ली थी और एन इक्वल टू की हमने माना था इसको लिखना होता ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वी प्रूव दैट नाउ वी प्रूव दैट वी प्रूव दैट इट इज ट्रू इट इज टू फोर एन इक्वल टू के प्लस वन देखो एन इक्वल टू के प्लस वन का मतलब ये हो गया आपका पी ऑफ के प्लस पी ऑफ के प्लस वन सच दैट अब ये क्या है आपका ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है ए की वैल्यू तो ये है बट पी ऑफ के प्लस वन अगर ए इसके इक्वल है देन विद रिस्पेक्ट टू दिस तो ए रेस टू पावर ए रेस टू पावर के प्लस वन किसके इक्वल आना चाहिए कॉस प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा कॉस के प्लस वन थीटा ये ऐसे इसके इक्वल आना चाहिए क्या बात समझ में आ रही है ठीक है तो मुझे प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी राइट नाउ a रे टू पावर k 1 a रे टू पावर k 1 को मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं इसको ले सकता हूं a into a रे टू पावर k मैंने आपको ये कहा था यू कैन सी दैट मैंने आपको ये बताया था कि इस स्टेप को प्रूव करने के लिए मैं दोनों स्टेप की ये स्टेप हम इन दोनों स्टेप की हेल्प से प्रूव करते हैं तो देखो ए आपका स्टेप वन हो गया ए टू पावर के हो गया स्टेप टू की वैल्यू तो मैंने इसको कैसे लिखा ए इंटू ए टू पावर के अब ए क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये आपका ए है और ए रेस्ट टू पावर के क्या है स के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा ये बात समझ में आ रही है क्लियर है यहां तक ठीक है चलो जी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी विल हैव इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा साइन थीटा इंटू साइन के थीटा ये क्लियर हो गया ठीक है कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा राइट देन साइन थीटा इंटू प्लस देन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा साइन थीटा कॉस के थीटा देन माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा देखो माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा हो गया ये क्लियर हो गया ठीक है माइनस थीटा साइन के थीटा माइनस कॉस थीटा साइन के थीटा ये क्लियर हो गया ठीक है माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा ये इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई ठीक है अब देखो ध्यान से ये क्या बन गया आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी ए क्या है थीटा बी क्या है के थीटा ए क्या है थीटा बी क्या है के थीटा ये क्लियर हो गया ठीक है देन देखो ये क्या हो गया आपका इसको आप ऐसे पढ़ो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी तो ये हो जाएगा साइन साइन थीटा प्लस के थीटा साइन थीटा प्लस के थीटा ये भी क्लियर हो गया ठीक है आप आगे देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता लाइक दिस माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा देखो तो ये किस तरह से ये आपका कन्वर्जन किस तरह से होगा ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस के थीटा प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो ये हो जाएगा माइनस विद इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी तो कैसे लिखोगे माइनस साइन विद इन ब्रैकेट थीटा प्लस के थीटा क्लियर हो गया ठीक है आगे वाला देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो कॉस ए प्लस बी तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा ये क्लियर हो गया ठीक है ओके अब देखो इसको आप कैसे ले सकते हो इसको इट विल बी इक्वल टू कॉस के प्लस वन थीटा राइट ये क्या हो जाएगा साइन के प्लस वन थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस साइन के प्लस वन थीटा और ये भी क्या हो जाएगा कॉस के प्लस वन थीटा राइट और ये वैल्यू किसके इक्वल है ये वैल्यू किसके इक्वल है थीटा 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 राइट समझ में आ रही है बात ठीक है तो ये किसके इक्वल आ गया ये हमने प्रूव कर दिया ए के एस ए रेस टू पावर के प्लस वन ए रेस टू पावर के प्लस वन इसके प्रूफ आ गया इसके इक्वल आ गया ना दट इज देर फोर रिजल्ट इज ट्रू फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ठीक है दस बाय

टा ठीक है फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इट क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ट्वेंटी फोर क्वेश्चन इज इफ एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट क्वल टू बी ए आपको कहा जा रहा है कि आपको शो करना है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कब इफ ए बी इज इक्वल टू बी इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए राइट अब देखो हेयर ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिखो एज एज ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिस एज ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिज तो क्या होगा सिमेट्रिक का का मतलब जो ए ए ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होगा और जो बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा वो बी के इक्वल होगा इतनी बात समझ में आ रही है क्लियर यहां तक ठीक है अब मान लेते हैं लेट ए बी बी

तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए ए बी के इक्वल होना चाहिए बात समझ में आ रही है? बाय प्रॉपर्टी ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब देखो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है ए के राइट नाउ बी ए इज इक्वल टू ए बी नाउ इफ बी इज इक्वल टू ए बी इफ बी ए इज इक्वल टू ए बी देन यही वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी होल ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोर्स बी ए के इक्वल था ये किसके इक्वल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस के इक्वल हो जाएगा बात समझ में आ रही है clear है क्लियर दैट दैट इज 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 अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको क्या कहा गया था देखो यहां पर आपने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है इस प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ हुआ तो आप क्या कहोगे दैट इज ए बी इज सिमेट्रिक ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी ए कॉम्यूट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कॉम्यूट दी इज इक्वल टू बी ए तो हमने प्रूफ कर दिया हैंड्स प्रूफ इज इट क्लियर ठीक है एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सल ट्वेंटी फाइव एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव क्या है Let a is equal to, आपको मैट्रिक्स है 2, 1, 3, 4. फिर मैट्रिक्स बी की बना आपको फाइव टू सेवन फोर इसी तरह से मैट्रिक्स सी की बना है टू फाइव थ्री एट फिर कहा जा रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स टी आपको क्या कहा जा रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स टी आपको मैट्रिक्स टी को फाइंड करना है सच दैट सच दैट सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स क्लियर हो गया ठीक है आप ध्यान से देखो देखो इसका ऑर्डर क्या है टू बाय टू इसका ऑर्डर क्या है टू बाय टू और इसका ऑर्डर क्या है टू बाय टू इन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है टू बाय टू इज इट क्लियर ठीक है इसका मतलब क्या हो गया मीन्स एस ए बी सी आर ऑल स्क्वेर मैट्रिक्स जितनी रोज है उतनी कॉलम है इसको कहते हैं स्क्वेर मैट्रिक्स आर ऑल स्क्वेर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर टू ऑफ ऑर्डर टू ठीक है एंड सी डी माइनस ए बी सी डी माइनस ए बी इज वेल डिफाइंड इज वेल डिफाइंड ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया इट इंप्लाइज इट D डी मस्ट बी square मैट्रिक्स तो डी भी क्या होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर टू ऑफ ऑर्डर टू तो वो क्या हो सकता है लेट डी इज इक्वल टू ऑर्डर टू की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए बी सी डी लेट डीवल टू ए बी सी डी ठीक है अब देखो नाउ सी डी माइनस ए बी नाव सी डी माइनस ए बी किसके इक्वल है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ इट इम्प्लाई सी C की वैल्यू क्या है टू फाइव थ्री एट तो C की जगह आ जाएगा टू फाइव थ्री एट D की जगह क्या आ जाएगा A B C D माइनस ए ए की जगह क्या हो जाएगा टू माइनस वन थ्री फोर और B की जगह क्या हो जाएगा फाइव टू सेवन फोर ये क्लियर हो गया और ये किसके इक्वल है ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है ये क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है अब जब आप इसको सॉल्व करोगे विच इम्प्लाइज तो देखो क्या आएगा टू ए प्लस फाइव सी टू बी प्लस फाइव डी थ्री ए प्लस एट सी थ्री बी प्लस एट डी ये क्लियर हो गया ठीक है और इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखो टू फाइव जा क्या हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा टू फाइव जा टेन माइनस सेवन टू टू जा फोर माइनस फोर थ्री फाइव जा फिफ्टीन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट थ्री टू जा सिक्स फोर फोर जा सिक्सटीन और इक्वल टू में क्या आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो ये हो जाएगा आपका टू ए प्लस फाइव सी विच इज टू ए प्लस फाइव सी टू बी प्लस फाइव डी टू ए प्लस फाइव सी टू बी प्लस फाइव डी ये क्लियर हो गया ठीक है थ्री ए प्लस एट सी तो ये हो जाएगा थ्री ए प्लस एट सी थ्री बी प्लस एट डी थ्री बी प्लस एट डी ये कुछ ऐसे हो जाएगी वैल्यू ये क्लियर हो गया ठीक है और ये क्या फोर्टी थ्री और सिक्सटीन प्लस सिक्स हो जाएगा ट्वेंटी टू right? तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू और, और एक इसके इक्वल है जीरो मैट्रिक्स तो इसको मैं order में जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखोगे जीरो 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 विच इम्प्लाइज तो ये क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू ए प्लस फाइव सी माइनस थ्री टू बी प्लस फाइव डी माइनस जीरो थ्री ए प्लस एट सी माइनस फोर्टी थ्री थ्री बी प्लस एट डी माइनस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू किसके इक्वल हो जाएगा आपका जीरो 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 ये कुछ इस तरह से आ जाएगा क्लियर हो गया ठीक है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैट कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के क्या होगा इक्वल होगा तो क्या होगा टू ए प्लस फाइव सी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो समझ आ रहा है थ्री ए प्लस एट सी माइनस फोर्टी थ्री ये भी जीरो के इक्वल होगा टू बी प्लस फाइव डी इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा और थ्री बी प्लस एट डी माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो भी क्या होगा जीरो के इक्वल होगा राइट right? इसको आप ले लो इक्वेशन वन इसको ले लो इक्वेशन टू इसको ले लेते हैं इक्वेशन थ्री इसको ले लेते हैं ये क्लियर हो गया ठीक है अब देखो अगर हम वन और टू को सॉल्व करते हैं बिकॉज ये ए और सी में है मैंने क्या कहा सॉल्विंग वन एंड टू सॉल्विंग वन एंड टू ये क्या है टू ए प्लस फाइव सी माइनस थ्री को राइट right साइड में ले जाओ तो थ्री थ्री ए प्लस एट सी माइनस फोर्टी थ्री को राइट right साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री अब देखो इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं टू से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा सिक्स फाइव थ्री सी इक्वल टू थ्री थ्री जा हो जाएगा सिक्स सिक्स जा और फोर टू एट ये कुछ ऐसे हो जाएगा राइट right? अब देखो ये माइनस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन ये हो जाएगा माइनस सी ये क्या हो जाएगा माइनस सी एटी सिक्स प्लस नाइन ये हो जाएगा माइनस सेवन सेवन तो C की वैल्यू क्या आ गई सेवन सेवन सी की वैल्यू क्या आ गई सेवन सेवन राइट अब देखो ये जो भी C की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में से इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं पुट सी टू सेवनटी सेवन इन इक्वेशन वन तो क्या हो जाएगा टू ए प्लस फाइव इन टू सेवनटी सेवन टू ए प्लस फाइव इंटू सेवनटी सेवन और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा टू ए प्लस सेवनटी सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई करो तो सेवन फाइव जो थर्टी फाइव सेवन फाइव जो थर्टी फाइव और थ्री कितना हो गया थ्री फाइव और इसमें से थ्री माइनस कर दो इक्वल टू क्या होगा जीरो तो टू ए थ्री एटी फाइव माइनस थ्री हो जाएगा थ्री टू इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो माइनस थ्री टू तो so, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस थ्री एटी टू डिड बाई टू तो टू वन जो वन एट टू नाइन जो टू वन तो इसका मतलब ए इक्वल टू माइनस वन नाइन ए क्या हो गया वन नाइन वन हो गया यहां तक ठीक है अब क्या करेंगे हम अब हम सॉल्व करेंगे थ्री और फोर को सॉल्विंग थ्री एंड फोर अब थ्री क्या टू बी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो टू बी प्लस फाइव डी इक्वल टू जीरो आपकी इक्वेशन थ्री है राइट right? और ये हो जाएगा थ्री बी प्लस डी इसको राइट हैंड साइड पे कर दो ट्वेंटी टू थ्री बी प्लस एट डीवल टू ट्वेंटी टू ये होगी इक्वेशन फोर अगेन इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको टू से कर देते हैं थ्री टू जा क्या हो जाएगा सिक्स बी फाइव थ्री जा क्या हो जाएगा फिफ्टीन डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स बी प्लस ए टू जा सिक्सटीन डी और ये हो जाएगा 44 माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस डी इक्वल टू माइनस फोर्टी तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 फोर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 फोर क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है अब नाउ पुट डी इक्वल टू फोर्टी इसको मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन थ्री पुट डी इक्वल D इक्वल टू फोर्टी फोर D इक्वल टू फोर्टी फोर इन इक्वेशन थ्री तो ये क्या हो जाएगा टू बी प्लस फाइव इन टू फोर्टी फोर इक्वल टू जीरो ट्वेंटी टू और प्लस है तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टू ट्वेंटी अपॉन टू तो ये आ गया माइनस वन वन जीरो क्या आ गया माइनस वन वन जीरो राइट नाउ तो मैट्रिक्स डी क्या हो जाएगा ए बी सी डी जो हमारी मैट्रिक्स डी थी जो हमारी मैट्रिक्स डी की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी देखो मैट्रिक्स डी क्या था ए बी सी डी तो किसके इक्वल हो जाएगा ए ए की जगह हो जाएगा माइनस वन नाइनटी वन बी की जगह हो जाएगा माइनस वन वन जीरो सी वैल्यू ऑफ सी सी की वैल्यू हमारी आई थी वैल्यू ऑफ सी सेवनटी सेवन तो सी की जगह आ जाएगा सेवनटी सेवन डी की जगह आ जाएगा वैल्यू ऑफ डी वैल्यू ऑफ डी इज वैल्यू ऑफ डी फोर्टी फोर ये हो गया फोर्टी फोर एंड दिस इज क्लियर ठीक है फिर से रिपीट कर रहा हूं जो न्यू एडिशन है आपका एनसीईआरटी का मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टू बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही है ठीक है क्वेश्चन कौन सा है वहां पे स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन इज शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो आपको ये कहा जा रहा है बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक होगा बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये आपको प्रूफ करना है ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है ये बात समझ में आ रही है ठीक है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी लेट एक्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोर्स ए बी ठीक है नाउ एक्स ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज अब देखो से दिस इज ए दिस इज एंड दिस इज बी एंड वी नो दैट ए बी होल ट्रांसपोज क्या होता है किसके होता है है ये बात समझ में आ गई ठीक है? इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स ट्रांसपोज है इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज दैट इज ए बी होल ट्रांसपोज बी बी ट्रांसपोज तो ये जो आपका बी है इसका transpose होल transpose ए ट्रांसपोस तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोस ट्रांसपोस ये क्लियर हो गया ठीक है तो एक्स ट्रांसपोस किसके इक्वल हो जाएगा AB होल ट्रांसपोस किसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोस ए ट्रांसपोस और बी ट्रांसपोस देखो ट्रांसपोस का ट्रांसपोस करते हो तो वो उसी के इक्वल हो जाता है मैट्रिक्स के तो ये हो गया AB ये क्लियर हो गया ठीक है क्यों मैंने ऐसा कहा बिकॉज़ A ट्रांसपोस ट्रांसपोस ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज करते हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है इट इज इक्वल टू ए ये क्लियर हो गया यहां तक ठीक है अब देखो लेट लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ये मान लिया कि ए के एक्स सीमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा ए के इक्वल हो जाएगा नाउ नाउ एक्स ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी ये तो एक्स ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी यही हो जाएगा ए ट्रांसपोज की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी तो इसका मतलब क्या कि ये जो ट्रांसपोज ट्रांसपोज है आपका वो X के इक्वल आ गया दैट इज इज इक्वल टू एक्स दैट इज एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स राइट विच इंप्लाइज़

सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या होगा बिच इंप्लाइज जो ए ट्रांसपोज है आपका वो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा अब जो आपका एक्स ट्रांसपोज है इट विल बी देखो माइनस तो यहां आ जाएगा माइनस यहां आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए हो गया माइनस और ए ट्रांसपोज की जगह आ जाएगा ए अब ये आपका क्या है एक्स दैट इज एक्स ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ एक्स के इक्वल हो गया विच इंप्लाइज इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यही आप प्रूफ करना था राइट right? कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये गिवन मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये गिवन मैट्रिक्स भी क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच ई सेल्स इन टू मार्केट आपको एनुअल सेल्स की बन है भाई जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तीन एक्स वाई जेड, जब उसको मार्केट वन में बेचता है तो उसके एनुअल सेल आपको गिवन है एक्स की कितनी है की कितनी है की है जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हो मार्केट टू में जब इनको वो सेल करता तो एनुअल सेल कितने कितने की हुई है की ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ये भी आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है गिवन ये बात समझ में आ रही है क्लियर है यहां तक ठीक है यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जो आपको गिवन है देखो क्वेश्चन में आपको गिवन किस तरह से क्वेश्चन में ऐसे गिवन है एक तरफ है मार्केट मार्केट वन मार्केट टू और एक तरफ है प्रोडक्ट एक तरफ क्या है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं एक्स वाई और जेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मार्केट वन में एक्स प्रोडक्ट की जो सेल है एनुअली वो है टेन थाउजेंड वाई प्रोडक्ट की जो एनुअल सेल है वो है टू थाउजेंड जेड प्रोडक्ट की जो एनुअल सेल है वो है एटीन थाउजेंड मार्केट टू में एक्स प्रोडक्ट की जो एनुअल सेल है वो है सिक्स थाउजेंड वाई प्रोडक्ट की है ट्वेंटी थाउजेंड और जेड प्रोडक्ट की कितनी है एट थाउजेंड ये क्लियर हो गया यहां तक ठीक है ओके तो क्वेश्चन में जो प्राइम इंफॉर्मेशन है वो क्या है एनुअल सेल प्राइम इंफॉर्मेशन क्या गिवन है एनुअल सेल तो जो प्राइम इंफॉर्मेशन होती है मीन्स एनुअल सेल उसको जो प्राइम इंफॉर्मेशन गिवन है जो प्राइम इंफॉर्मेशन गिवन है आपको एनुअल सेल की उसको मैट्रिक्स ए के इक्वल रखेंगे इसके लिखेंगे इसको हम ले लेंगे मैट्रिक से एंड इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू देखो टेन थाउजेंड टू थाउजेंड एटीन थाउजेंड और यह हो जाएगा सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड और एट थाउजेंड ये क्लियर हो गया ठीक है ये है एक्स ये है वाई और ये क्या है आपका सेट मार्केट वन मार्केट टू इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्लियर हो गया यहां तक ठीक है इसके बाद फिर हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं आपको कहा जा रहा है पार्ट ए इफ वन इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ जीरो जीरो टू रुपीज फिफ्टी पैसा जो है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स है का सेल प्राइस है टू रुपयी फिफ्टी पैसा जो है वाई का है ठीक है द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स टोटल ऑफ ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ अ ठीक है अब देखो अब पार्ट ए में देखो सेल प्राइस नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे को सेल प्राइस की ठीक है तो सेल प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इक्वल टू ये हो गया टू पॉइंट फाइव ये हो गया वन पॉइंट फाइव और ये हो गया आपका वन ठीक है यहां तक क्लियर हो गया देखो इसका ऑर्डर क्या है टू बाई थ्री इसका ऑर्डर क्या है टू बाई थ्री और इसका ऑर्डर क्या है वन बाय थ्री तो इसका जो अब यहां पे देखो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए इक्वल यानी कि मुझे इसको मुझे इसको क्या करना होगा रिवर्स करना होगा तो मुझे बी का क्या लिखना होगा बी ट्रांसपोज नाउ टोटल रिवेन्यू जो होगा मेरा टोटल रिवेन्यू नाउ टोटल रिवेन्यू इट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी नहीं होगा ये होगा ए ट्रांसपोज ये क्या होगा ए इंटू बी ट्रांसपोज तो ए की जगह क्या हो जाएगा टेन थाउजेंड टू थाउजेंड एटीन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एट थाउजेंड और बी की जगह बी ट्रांसपोज तो ये जो रो है इसको कॉलम बना दो तो ये हो जाएगा टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव और वन बात समझ में आ रही है ठीक है सॉल्व करोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू देखो टेन थाउजेंड इंटू टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड इंटू वन पॉइंट फाइव थ्री थाउजेंड तो ये हो जाएगा आपका थ्री थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड इंटू वन ये हो जाएगा आपका एटीन थाउजेंड क्या हो जाएगा एटीन थाउजेंड क्लियर हो गया ठीक है देन सिक्स थाउजेंड इंटू टू पॉइंट फाइव ये हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी होता है तो ये हो जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड तो प्लस ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट में, में क्लियर हो गया क्लियर यहां तक ठीक है सभी को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री प्लस एटीन ये हो जाएगा फोर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टीन प्लस थर्टी थाउजेंड फोर्टी फाइव प्लस एट थाउजेंड ये हो गया फिफ्टी थ्री थाउजेंड तो इसका मतलब जो फर्स्ट मार्केट है उसकी एनुअल सेल कितनी आ रही है तीनों की मिला के फोर्टी सिक्स थाउजेंड उसका रिवेन्यू फर्स्ट मार्केट का और सेकेंड मार्केट का रिवेन्यू कितना आ रहा है फिफ्टी थ्री थाउजेंड अब कैसे लिखोगे रिवेन्यू कैसे लिखोगे रिवेन्यू फोर मार्केट बन रिवेन्यू फॉर मार्केट वन इट इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स थाउजेंड और रिवेन्यू फॉर मार्केट टू इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी थ्री थाउजेंड की अगर इन तीनों कॉमोडिटी की कॉस्ट यानी कि इनको बनाने में मीन जो एक्स जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी एक यूनिट को बनाने की कॉस्टिंग कितनी है टू रुपीज और वाई यूनिट वाई प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाने की कॉस्टिंग है वन रुपीज और जेड प्रोडक्ट का एक यूनिट को बनाने की कॉस्टिंग कितनी है फिफ्टी पैसे तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू यानी कि जो आपकी सेल हुई है माइनस कॉस्ट प्राइस तो रिवेन्यू माइनस ग्रॉस कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है अब देखो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस तीनों प्रोडक्ट का गिवन है इसको हम ले लेते हैं मैट्रिक्स सी एक्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना है टू वाई का पर यूनिट कॉस्ट कितना है वन और जेड का फिफ्टी पैसा जो हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव जो हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर ईच मार्केट टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर ईच मार्केट अगेन हमें क्या करना होगा इसका ट्रांसपोज इट विल बी इक्वल टू ए इंटू सी ट्रांसपोर्ट इंटू सी transpose, राइट इट विल बी इक्वल टू अब देखो जो मैट्रिक है आपकी मैट्रिक क्या है टेन थाउजेंड टू थाउजेंड एटीन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एट थाउजेंड कुछ ऐसे है और सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा टू वन जीरो पॉइंट फाइव टू वन और जीरो पॉइंट फाइव ये क्लियर हो गया ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो ए सी ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका टेन थाउजेंड इंटू टू दैट इज ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड इंटू वन टू थाउजेंड एटीन फाइव नाइनटी तो ये हो जाएगा नाइन थाउजेंड पॉइंट फाइव है 2 कितना हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड टू थाउजेंड इंटू वन नोट टू थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एट थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट फाइव एट फाइव जब फोर्टी ये हो जाएगा फोर थाउजेंड अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ट्वेंटी प्लस टू प्लस नाइन ये आ जाएगा थर्टी वन थाउजेंड और ट्वेल्व ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व थर्टी टू थर्टी टू प्लस फोर ये हो गया थर्टी सिक्स थाउजेंड तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मार्केट ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड मार्केट इट क्लियर ठीक है नाउ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होगा टोटल रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू क्या था आपका जो रिवेन्यू था वो क्या था हमारा ए बी ट्रांसपोज तो इट विल बी इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस कॉस्ट प्राइस ए सी बात समझ में आ रही है ठीक है ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई थी फोर्टी सिक्स थाउजेंड और फिफ्टी थ्री थाउजेंड और एसी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई कितना आपका फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टी थ्री थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड ये कितना आ जाएगा आपका सेवनटीन थाउजेंड इट क्लियर ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट देखो ये आपका ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है मार्केट वन का तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट वन ये कितना आ गया फिफ्टीन थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट टू यह कितना होगा आपका सेवनटीन थाउजेंड क्लियर हो गया ठीक है तो कैसे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट वन इज इक्वल टू रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मार्केट टू